उत्तर प्रदेश जेल वार्डन फायरमैन मेरिट भर्ती 2016 के समस्त अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार एवं संघर्ष समिति की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं राकेश वर्मा गौतम बुद्ध नगर से आप सभी अभ्यर्थियों को एक जरूरी बात से अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा, बताया जा चुका है, मैं फिर से बताने जा रहा हूं, 4 नवंबर को लखनऊ विधानसभा पे धरने का आयोजन किया गया है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी अभ्यर्थी भारी से भारी संख्या में पहुंचे और इस धरने को सफल बनाएं। हालांकि हम लोग कई बार धरना दे चुके हैं, लेकिन अब जो धरने दिए जा रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। जीत हमारी निश्चित है, भर्ती मेरिट से ही होगी, ये समझ लो आप लोग। लेकिन जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही इस भर्ती को होना और आसान हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, जबकि ग्रुप में बताया जा चुका है हमारी टीम के सदस्यों द्वारा कि 4 नवंबर को धरने का आयोजन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी सस्पेंस में हैं। कॉल करके मुझसे पूछते हैं कि हाँ 4 तारीख को धरना है। अरे जब आपको बताया जा चुका है तो वो गलत इंफॉर्मेशन थोड़ी देंगे आपको, ये कंफर्म है, डेट फिक्स है 4 नवंबर, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, भारी से भारी संख्या में पहुंचे, जिससे कि ये धरना सफल बनाया जा सके, सफल हो सके। और मैं एक जरूरी बात और साथ ही साथ बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में, वहीं से हमारे दिनेश भाई हैं और मुख्य सचिव का दौरा हुआ था उधर, तो आज हमारे दिनेश भाई ने वहां पे जाके उनको ज्ञापन दिया, अपनी भर्ती के बारे में डिस्कस किया, बहुत अच्छे से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ समय और लगेगा, अभी जो ये चुनाव चल रहे हैं इसके बाद, जहां तक मैं आपको बता दूं 99% हमारी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जिस नियम से निकाली गई थी 2016 में, उसी नियम से भर्ती को पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत भी करना है, अभी ये तभी मुमकिन है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और एक अलग से मैं आपको बात बता दूं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अभी जल्दी में एक चैनल आपके ग्रुप में सभी को न्यूज दी जा रही है चैनल के माध्यम से, अपडेटेड 2.0, ठीक है। मैं नवीन मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन साथ ही साथ जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन अभ्यर्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बाई चांस आपको ग्रुप में न्यूज नहीं मिल पाए या व्हाट्सएप नहीं चला पाओ या फोन तुम्हारा घर पे हो या कहीं भी तुम बाहर हो, तो किसी के भी फोन में आप यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे जाके वहां पे जब अपडेटेड 2.0 डालेंगे तो वहां पे आपको जो भी हमारी भर्ती में होने वाला नेक्स्ट अपडेट है या जो भी हम करने जा रहे हैं उसकी पल पल की आपको न्यूज मिलती रहेगी, ठीक है। उसके लिए आपको कॉल करने की, बार बार कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो सभी अभ्यर्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ कोई भी आपको सूचना दी जाती है उस चैनल के माध्यम से उसे शेयर जरूर करेंगे अपने सभी ग्रुपों में, जिससे कि हमारे और भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं इस ग्रुप से, हमारी टीम से, तो हम चाहेंगे सब तक, जितने भी अभ्यर्थी जो 2016 के हैं उन सब तक उस चैनल के माध्यम से सूचना पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके, ठीक है। तो आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी जानकारी मिलती है उसे शेयर करेंगे, और आगे की जो जानकारी है मैं आपको ग्रुप में तो देता ही रहूंगा। अभी काफी दिनों से मैंने चैनल पे, अपने चैनल पे मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन
जो अब ये नया चैनल जो बनाया गया है, हमारे टीम के एक सदस्य हैं नवीन मिश्रा, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। तो इनके माध्यम से मैं समझ सकता हूं कि सभी को अच्छे से जानकारी मिल रही है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, फिलहाल हमारा जो फोकस है वो धरने पर होना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़े अपने जिले से। जिनको नहीं पता उनको बताएं, चाहे वो अपने मित्र हैं, साथी हैं, अरे दुश्मन भी हैं भले ही, लेकिन वो इस भर्ती में शामिल हैं, उन तक ये खबर पहुंचाओ कि 4 नवंबर को सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ पहुंचे। ठीक है, सिर्फ इतना ही कहूंगा अभी, बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी हम ग्रुप में देते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि। तो हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन ना प्रेस किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन प्रेस होता है, उससे अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी भर्ती आती है या फिर कोई भी न्यूज़ आती है भर्ती संबंधित, तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस किए हैं तो आप जरूर पाएंगे न्यूज़। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।